ऐ मित्रगणा नमस्करा रेडिओ मधुबनसवण लीना अहमलंदळे कौशलम न्यासस कृते सर्व अभिवादनं चिन्तयामि मंगलयामि मित्रगणाः एकसप्ताहान्तरे अद्य पुनरपि एकवारं अहम आरंभं करा अकं पठामी संस्कृत इत्यस्य कार्यक्रमस्य विगतसप्ताहे वयम् मुंडकोपनिषद तृतीय मुंडक द्वितीय खंड से आरंभ कृतवता अदय अहम तृतीय श्लोक आरंभ करोण्वंतुवंत तो हे मित्रगण जैसा कि आप लोग इतना संस्कृत तो अब समझने लगे होंगे कि मैं लीना मेहंदे रेडियो मधुबन के श्रवण मंच पर आप सबका अभिवादन करती हूँ सबको नमस्कार करती हूँ और सबके मंगल की भी प्रार्थना करती हूँ और जैसा कि हम पिछले रविवार मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक का दूसरा खंड आरंभ कर चुके हैं तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं तीसरे श्लोक से आज का पठामी संस्कृतम का पाठ आरंभ करती हूँ आइए सुनते हैं तृतीय श्लोक वर्तते नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुुते तेन लभ्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है नाय्मा ये संधि है न अयमात्मा और आगे कहते हैं प्रवचन लभ्यो या प्रवचन लभ्या तो लभ्या का अर्थ हुआ वह जिसे पाया जा सकता है तो ये श्लोक कहता है कि यह जो आत्मा है अयम आत्मा यह न प्रवचन लभ्या यह प्रवचन सुनने से अर्थात विद्वत्तापूर्ण शब्द सुनने से नहीं पाया जा सकता इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती न मेधया और न बहुत अधिक अपनी मेधा या अपनी बुद्धि चलाने से इसकी प्राप्ति हो सकती है अर्थात हमारी जो तर्क बुद्धि है जो बुद्धि तर्क शुद्धता के कारण कई बातों को जान पाती है वह तर्क बुद्धि भी आत्मा को नहीं पा सकती है न बहुनाश्रुते न और ना ही बहुत सारा ज्ञान पढ़ लेने से या बहुत सारे विद्वानों की बात सुनने से या बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर लेने से इन सारे उपायों से इस आत्मा को नहीं पाया जा सकता है तो फिर इस आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है तो उपनिषदकार कहते हैं यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्या यमे वैश्य अर्थात यम एव एश इस प्रकार संधि है एष अर्थात यह आत्मा यम एव वृणुते जिस किसी को स्वयं चुनता है तेन लभ्या उसी के द्वारा वह प्राप्य है लभ्य है तस्येश आत्मा तस्य एश आत्मा विवृणुते अर्थात खोल के रख देता है तो यह आत्मा ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने स्वयं चुना है ऐसे व्यक्ति के सम्मुख तनुम स्वाम विवृणुते अपने आप को अपने पूरे रूप को उसके सामने खोल करके रख देता है तो यहाँ पर एक बात हम गौर करेंगे कि तृतीय विभक्ति के कई शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है न अयम आत्मा प्रवचन न तो प्रवचन यह तृतीय विभक्ति है कि यह प्रवचन से नहीं पाया जा सकता न मेधया अर्थात मेधा से नहीं पाया जा सकता यह भी तृतीय है न श्रुतेन न बहुत सारे ज्ञान को सुन लेने से पाया जा सकता है तो बहुना श्रुतेन यह भी तृतीय के शब्द हैं यमे वैश वृणुते तेन लभ्या तेन अर्थात उन्हीं के द्वारा यह प्राप्य है या लभ्य है तो तेन यह भी तृतीय है तो इस अर्थ को मैं फिर एक बार दोहरा देती हूं कि यह आत्मा ना ना तो प्रवचन से लब्ध्य है, ना मेधा से है मेधा है ना ही बहुत सारा ज्ञान सुन लेने से या समझ लेने से वह लभ्य है तो फिर जिसे उसने स्वयं चुना है उसी को वह लभ्य है और उसी के सामने यह आत्मा अपना पूरा रूप तनुम अर्थात शरीर अब आत्मा को कोई शरीर तो होता नहीं है लेकिन अपना जो निज स्वरूप है उसको खोल करके उस व्यक्ति के सामने आत्मा रख देता है अर्थात वही व्यक्ति आत्मा को समझ सकता है और इस उपनिषद का अगला श्लोक भी कुछ इसी प्रकार का है आइए सुनते हैं चतुर्थ श्लोक वर्तना ना बलहन लो न प्रमादा तपसोवाप्यलिंगातरुपायतते यस्तु विद्वांस्त आत्मा विशते ब्रह्मधाम तो यह श्लोक भी समझने में सरल है और यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है आइए देखते हैं नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो यह आत्मा बलहीन व्यक्तियों को लभ्य नहीं है अब यहाँ बलहीन शब्द का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है बल्कि आत्मिक बल भी है शारीरिक बल इसलिए चाहिए ताकि उपासना करने में मनुष्य दृढ़ रहे और आत्मिक बल इसलिए चाहिए कि बिना उसके उपासना हो ही नहीं सकती लेकिन इस प्रकार बलवान होने के पश्चात भी कोई आवश्यक नहीं है कि वह आत्मा मिल ही जाए न च प्रमादात प्रमाद करने से अर्थात अपनी साधना में या अपनी उपासना में कोई कमी अगर हम रहने देते हैं कमी रख करके वह प्रमाद हम करते हैं गलती हम करते हैं तब तो आत्मा और भी अधिक अप्राप्य हो जाता है वाप्य लिंगात ये फिर संधि है वा अपि अलिंगात और यहाँ शब्द है अलिंगात और यह विशेषण है तपस्या के लिए तो जो अलिंग तपस्या है उससे भी यह आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है लिंग का अर्थ होता है कोई चिन्ह या कोई लक्ष्य जिस पर हम एकाग्र हो सकते हैं और ऐसा अगर ना हो तो उसे कहेंगे अलिंग अर्थात जब हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है तो ऐसी तपश्चर्या करें जिसमें हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है तो ऐसी तपस्या से आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता और तपस्या करने के लिए शारीरिक और आत्मिक दोनों ही बल चाहिए प्रमाद के साथ तप हो तब भी आत्मज्ञान नहीं मिल सकता और लक्ष्यहीन तपस्या हो तब भी आत्मज्ञान नहीं मिल सकता तो आगे कहते हैं कि एतैर उपायैर यतते यस्तु विद्वान लेकिन इन उपायों से अर्थात प्रमादरहित तपस्या और लक्ष्य सहित तपस्या इन दोनों उपायों के साथ यतते यह तो विद्वान यते अर्थात प्रयास करता है तो जो विद्वान इस प्रकार से प्रयासरत रहता है उसे फिर आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आत्मा उसे कहाँ ले जाता है तो उसे ब्रह्मधाम में प्रवेश कराता है विषते ब्रह्मधाम आत्मा उसे ब्रह्मधाम तक प्रवेश करा देता है और मित्रों इन्हीं दो श्लोकों के साथ हम तीसरा भी श्लोक पढ़ लेते हैं जो कहता है संप्राप्य एनम ऋष्य ज्ञान तृप्तागा प्राप्य धीरा विशन्ति संप्राप्य एनम इस आत्मा को एक बार पालें तो फिर क्या होता है तो ऐसे जो ऋषि होते हैं ऋषय बहुवचन है वे ज्ञानतृप्ता वे संपूर्णतया ज्ञान से संपृक्त हो जाते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है और उसी से वह तृप्त होते हैं कृतात्मा उनका जीवन कृतकृत्य हो जाता है धन्य हो जाता है वीतरागा हा, वह वीतरागी हो जाते हैं अर्थात उन्हें फिर किसी वस्तु का मोह या आकांक्षा बाकी नहीं रहती प्रशांता वे बिल्कुल शांत चित्त हो जाते हैं प्रशांत हो जाते हैं यहाँ दो और शब्दों का प्रयोग हुआ है धीरा हा और युक्तमान तो वे ऋषि जिन्हें आत्मज्ञान हो वे धीर हो जाते हैं अर्थात धैर्यवान हो जाते हैं किसी भी बात से वे विचलित नहीं होते हैं युक्तात्मान अर्थात जिसकी आत्मा परमात्मा के साथ युक्त हो गई है ऐसे वे हो जाते हैं और आगे कहा है ते सर्वगम प्राप्य सर्वतः सर्वमेवा विशंति ग का अर्थ होता है जाना तो सर्वगह अर्थात जो कहीं भी जा सकता है हर जगह जा सकता है तो ये ईश्वर का संबोधन है तो वे आत्मज्ञानी ऋषि सर्वगम अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं प्राप्य प्राप्त करके सर्वमेवा विशंती ये संधि है सर्वम एव आविशंति आविशंति अर्थात उसमें प्रवेश कर जाते हैं उसमें घुल मिल जाते हैं सर्वतः अर्थात सभी ओर से तो इस प्रकार जो आत्मज्ञानी ऋषि हैं वे परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं तो मित्रों आज हम अपनी मुंडक उपनिषद की पढ़ाई यहाँ रुकते हैं आप सुनते रहो पठामी संस्कृतम सुनते रहो रेडियो मधुबन मुस्कुराते रहो नमस्कार